क्लास कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने कैबिन में और मांग बनीत आपके सामने हाजिर हूँ लेकर एक और नया वन शॉट फेडरलिज्म का। हाँ जी क्लास, तो चैप्टर सेकंड है आपकी पॉलिटिकल साइंस की बुक का, फेडरलिज्म इन इंडिया, या फिर आप फेडरलिज्म की बात करते हैं। फेडरलिज्म को अगर हम बात करें हिंदी के अंदर तो बेटा फेडरलिज्म का मतलब होता है संघवाद। संघवाद यानी संघ के रूप में एक देश का होना, संघवाद ये स्थिति जो होती है। क्लियर बच्चा? अगर हम बात करते हैं संघवाद के बारे में तो संघवाद का मतलब होता है जिसके अंदर जो स्ट्रक्चर होता है गवर्नमेंट का वो एक लेवल में बटा होता है, एक से ज़्यादा लेवल के अंदर बटा होता है। क्लियर? तो इसी पर ये पूरा चैप्टर है कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कैसे हुआ, हमने पावर्स को कैसे बाइफिकेट किया अलग अलग लेवल्स के अंदर, चाहे वो वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो। ठीक है? और तो और हमारे यहाँ पे लैंग्वेज पॉलिसी कैसी रही, हमने इतनी जो समस्याएं आई देश में आज़ादी के बाद, चाहे लैंग्वेज पॉलिसी की हो, ठीक है, या फिर लैंग्वेज चुनने की हो, तो उससे कैसे हमने निजात पाई। और तो और हमने पंचायती सिस्टम को जो एकदम डर्थ में चला गया था उसको कैसे बाहर निकाला। तो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में पढ़नी है बेसिकली। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो फेडरलिज्म एक सिस्टम है गवर्नमेंट का जहाँ पर जो पावर है वो डिवाइड की जाती है किसमें, सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। यानी जो आपका फेडरलिज्म स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर हम ये मानते हैं कि हमारे पास अलग अलग लेवल की गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल लेवल होती है, स्टेट लेवल होती है और लोकल लेवल की गवर्नमेंट होती है। सेंट्रल लेवल होती है, स्टेट होती है और लोकल लेवल की गवर्नमेंट होती है। अलग अलग लेवल की गवर्नमेंट है, जैसे बेल्जियम ने भी बांटा था, ठीक है, गवर्नमेंट्स को। क्लियर? दिस वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर एंड अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इज रेफर्ड एज द फेडरलिज्म। और इसी वर्टिकल पावर को यानी वर्टिकल तरीके से बटा हुआ है, हम जानते हैं पावर शेयरिंग के अंदर हमने चीज़ पढ़ी थी कि अलग अलग तरीके से पावर्स को बाइफिकेट किया जाता है, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है। अगर ये तो वर्टिकल वाली बात होती है, अगर हम हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं बच्चा, तो इसके अंदर हमारे पास तीन चीज़ें आती हैं। इसके अंदर आती है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, ये तीन चीज़ें आती हैं, तीन चीज़ें आती हैं इसके अंदर बेसिकली। चलिए, फेडरलिज्म इज वन ऑफ द मेजर फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ये सबसे मेजर फॉर्म है पावर शेयरिंग का, और मॉडर्न डेमोक्रेसी में तो खासकर, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि ईच एंड एवरी पर्सन गॉट द बेनिफिट ऑफ द गवर्नमेंट, कि भैया हर एक पर्सन के पास गवर्नमेंट का बेनिफिट पहुँचे और वो अपने आप को अटैच माने। ठीक है, कि वो गवर्नमेंट से ज़्यादा अटैच, गवर्नमेंट की अटैचमेंट उसके पास होनी चाहिए, ये हम मानते हैं। क्लियर? इसलिए हम फेडरल स्ट्रक्चर को प्रेफर करते हैं बच्चा। इसके फीचर्स पढ़ लेते हैं। दो या दो से ज़्यादा लेवल की गवर्नमेंट होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, दो तरह की गवर्नमेंट हो गई यानी हमारे पास, एक हो गई बच्चा यूनिटरी, ठीक है, एक हो गई यूनिटरी, एक हो गई हमारे पास फेडरल। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर एक ही लेवल की गवर्नमेंट होती है, सिंगल लेवल होता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे टू और मोर यानी दो या दो से अधिक, टू और मोर लेवल की यानी दो या दो से अधिक लेवल की गवर्नमेंट होती है, ये लिखा हुआ है। डिफरेंट लेवल की जो गवर्नमेंट होती है वो सेम सिटीजन को गवर्न कर रही है, मतलब मेरे ऊपर जो अधिकार है वो सेम गवर्नमेंट का। ठीक है, आपके ऊपर जो अधिकार कर रही है, मेरे ऊपर जो अधिकार कर रही है, वो सेम गवर्नमेंट। ठीक है, मींस चाहे आपकी स्टेट लेवल हो, चाहे आपकी सेंट्रल लेवल हो, ठीक है, या लोकल लेवल हो, सेम सिटीजन ही तो है। मतलब ऐसा तो नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो दूसरे देश की हो, स्टेट लेवल, स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो दूसरे देश की हो और लोकल अलग तरीके से जज कर रही है। नहीं, ये सभी एक ही देश के अंदर एक ही तरीके से एक ही नागरिकों के ऊपर अधिकार करते हैं या फिर चीज़ें करते हैं, ठीक है, गवर्न करते हैं। ईच लेवल इट्स ओन जुडिशियल, लेकिन सबके अपने अपने अधिकार क्षेत्र हैं। अगर हम कहते हैं लोकल गवर्नमेंट की, तो बेटा लोकल गवर्नमेंट अपने अधिकार से चल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने अपने रूल्स हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ मैटर के अंदर स्टेट के अंदर इंटरवीन कर सकती है, लेकिन स्टेट जो है वो सेंट्रल लेवल पर इंटरवीन नहीं कर सकती। इसलिए हमारे यहाँ पर जो इंडिया के अंदर वो क्वासी फेडरल है, यानी फेक फेडरल जिसे कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेंटर थोड़ा ज़्यादा पावरफुल होता है। क्लियर? ये चीज है, यहां रखना, अभी तो नहीं, बाद में काम आएगी काफी। अब यहां पर जो हम बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जो डिफरेंट टाइप की गवर्नमेंट होती है, चाहे वो स्टेट हो, चाहे सेंटर हो, चाहे लोकल हो,
सबके अपने अपने ज्यूरिडिक्शन है, यानी अपनी अपनी एक सीमाएं हैं, उसी के अंदर तहत वो काम कर सकती हैं, उसके बाहर वो नहीं जा सकती। अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि भैया हम बॉर्डर से सेना हटा लेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता, स्टेट के पास वो पावर नहीं है। ठीक है, सेम वैसे ही सेंटर के पास कुछ पावर नहीं होती, क्लियर। हर स्टेट के अंदर सेंटर की पावर इतनी नहीं चल सकती, क्योंकि सबके अलग अलग टॉपिक्स हैं, वो हमें आगे वाले टॉपिक्स में भी जानना है, क्लियर। लोकल गवर्नमेंट अगर कहते हैं कि भैया हम पूरे राज्य का विकास करेंगे, नहीं पॉसिबल है, क्योंकि लोकल जो गवर्नमेंट है उसकी जो अथॉरिटी है, जो उसका आप कह सकते हैं एक तरीके का जो ज्यूरिडिक्शन एरिया है, वो उस लोकेलिटी के अंदर ही है, उस लोकेलिटी के अंदर ही है, क्लियर। नेक्स्ट है एक्सटेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गवर्न्ड। ठीक है, हर एक जो गवर्नमेंट होगी उसका एक हेड होगा जो कॉन्स्टिट्यूशन ने बना रखा है। जैसे अगर हम सेंटर की बात करते हैं, तो सेंटर के अंदर हमारे पास प्राइम मिनिस्टर होता है, स्टेट के अंदर हमारे पास चीफ मिनिस्टर होता है। लोकल गवर्नमेंट दो तरीके, इंडिया में दो तरीके से बढ़ती है, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट। और लोकल गवर्नमेंट के अंदर अगर हम बेसिकली बात करें, तो दो तरीके की जो बढ़ती है वो पंचायती सिस्टम है, और शहरों के अंदर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है, जो ठीक है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, उसके जो हेड होता है उसको मेयर कहते हैं बेटा, और पंचायत का आप जानते ही हो सरपंच हेड होता है, क्लियर। तो ये सारे हेड हैं। द फंडामेंटल प्रोविजन ये कहा गया, कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिटरी चेंज, यानी कोई भी अकेला संविधान को बदल नहीं सकता। अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे कि संविधान बदल दे, ये पॉसिबल नहीं है, या सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे, या फिर सेंटर की जो पार्टी चाहे वो बदल दे, वो भी पॉसिबल नहीं है। लोकल अथॉरिटी चाहे, वो तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। सभी को एक साथ आना पड़ेगा, तब जाके संविधान चेंज होगा। सच चेंजेस रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, जो बोथ लेवल है, चाहे सेंटर हो चाहे स्टेट हो, इन दोनों लेवल की गवर्नमेंट का कंसेंट लेना पड़ेगा। आप सोचेंगे सर जो लोकल लेवल है उसके नाम क्यों नहीं लिया आपने, बेटा लोकल लेवल इसलिए नहीं लिया क्योंकि लोकल लेवल इस सेंस में नहीं है, या फिर इस अथॉरिटी में नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज कर सके। ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं कर सकती, उसके अंदर जो आप कह सकते हैं अमेंडमेंट्स के लिए लोकल गवर्नमेंट का कोई भी अधिकार क्षेत्र नहीं है, सिर्फ सेंटर और स्टेट का है। अब अपने सर ऐसा क्यों है, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट सिर्फ एक ब्लॉक हो गई, जोन हो गई, डिस्ट्रिक्ट तक ही काम कर पाती है, ठीक है, पूरे स्टेट को काम नहीं कर पाती। पूरे स्टेट का जो जिम्मा है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है, क्लियर। चलिए अब चलते हैं आगे। कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है भैया, कोर्ट जो है, कोर्ट के पास ये पावर होती है, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, उसको गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं हम। वही संविधान की व्याख्या करेगा, इंटरप्रेट करेगा कि संविधान में क्या लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किस सेंस में क्या चीज़ लिखी हुई, ये संविधान बताएगा बच्चा। द हाइएस्ट कोर्ट एक्ट एज अंपायर ऑफ एनी डिस्प्यूट अराइज बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। सुप्रीम कोर्ट हैज़ द अथॉरिटी, सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है, उसका क्षेत्राधिकार है ये, ठीक है, उसके पास पावर है ये कि वो डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट वर्सेस स्टेट हो, यूनियन वर्सेस स्टेट हो, ठीक है, चाहे वो स्टेट वर्सेस स्टेट की गवर्नमेंट चल रही हो, एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर अधिकार चल रहा हो, लड़ाई चल रही हो, या केंद्र और राज्य के बीच लड़ाई चल रही हो, इन दोनों के अंदर ही कौन, सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन कर सकता है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है हाईएस्ट कोर्ट, हाईएस्ट कोर्ट यहाँ पर क्या है, इंडिया के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करेगा, ठीक है, जो हाईएस्ट कोर्ट होगा वहाँ का वो इंटरवीन करेगा, और वो कहेगा कि भैया कौन सही है और कौन गलत है, ये सुप्रीम कोर्ट बताएगा, अंपायर के तौर पे काम करेगा और डिस्प्यूट को शांत करता है। कौन सही कौन गलत से ज़्यादा वो ये कोशिश करता है कि दोनों ही स्टेट, चाहे दोनों स्टेट हों, वो इक्वली चले और बराबर तरीके से हो जाए चीज़ें। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड टू इंश्योर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। हर एक जो गवर्नमेंट है, चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो सेंटर हो, चाहे लोकल हो, सभी के लिए पैसे बराबर कर रखे हैं, मतलब स्पेसिफाई रेवेन्यू है कि आपको कहां कहां से टैक्स कलेक्ट करना है। अब जब यह पता है कि कौन कौन सा टैक्स किस किस गवर्नमेंट के पास जाएगा, तो सीधी बात लड़ाई होगी नहीं, भैया ये वाला जो टैक्स है वो हमारा है, ये वाला टैक्स जो है वो आपका, एक तेरा एक मेरा, दो तेरे दो मेरे, ये वाला हिसाब किताब चलता है यहाँ पर, ठीक है। फेडरल सिस्टम हैज़ ड्यूअल ऑब्जेक्टिव, इसके दो ऑब्जेक्टिव हैं बच्चा, टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री एंड टू अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। फेडरल के दो ऑब्जेक्टिव क्या हैं, कि यूनिटी को प्रमोट करना है, कि देशीय एकता को बना के रखना है, और साथ ही साथ जो रीजनल डाइवर्सिटी है, हम जानते हैं रीजनल डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, ठीक है, जैसे इंडिया के अंदर अगर हम बात करते हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ रिलीजन, लॉट्स ऑफ कास्ट, क्लियर, लॉट्स ऑफ कल्चर, ठीक है, डाइवर्स कल्चर है हमारे पास, इन सबको बचा के रखना।
फेडरल स्ट्रक्चर यही है क्योंकि हम हर एक व्यक्ति तक गवर्नमेंट को लेके जाते हैं और हर एक व्यक्ति की जो नीड है उसको समझ पाते हैं। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब दो चीज़ें आती हैं बेटा, एक यूनियन टेरिटरीज है, एक कॉलिशन गवर्नमेंट है। ठीक है, दोनों वर्ड दे रखे हैं आपके बुक के अंदर। यूनियन टेरिटरीज क्या होती है? देखो, हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक स्टेट, ठीक है, एक होता है स्टेट, एक होता है यूनियन टेरिटरी। ठीक है, एक होता है यूनियन टेरिटरी। ठीक है, चलिए स्टेट की अगर हम बात कर लेते हैं, स्टेट के अंदर पूरा का पूरा जो कंसर्न होगा वो किसके ऊपर होगा? वो होगा आपकी स्टेट गवर्नमेंट पे। वो किस पे होगा? स्टेट गवर्नमेंट पे। यूनियन टेरिटरी के अंदर स्टेट गवर्नमेंट हावी नहीं होती, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन रहती है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट के पास थोड़ी सी पावर रहेगी लेकिन सेंटर मेन पावरफुल होता है। देखो, कुछ यूनिट्स हैं इंडिया यूनियन में जो बहुत इतनी छोटी हैं कि भैया उनको इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं बनाया जा सका और उनको मर्ज भी नहीं किया जा सकता कुछ स्टेट्स के साथ, वो ऐसी हैं। ठीक है, और इन्हीं को हम यूनियन टेरिटरीज कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्र शासित प्रदेश। दे आर ऑल्सो कॉल्ड सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरीज, इन्हीं को सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दिल्ली। दिल्ली भी यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, यहाँ पर केंद्र सरकार का राज चलता है, मतलब केंद्र सरकार ज़्यादा पावर में होती है इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टेट्स, इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टेट। क्लियर? चल, अब आते हैं नेक्स्ट पे, कोलिशन गवर्नमेंट। बेटा, कोलिशन गवर्नमेंट बेसिकली, वैसे तो हमें पॉलिटिकल पार्टीज में पढ़ना है, ठीक है, बट यहाँ पर समझिए, एक गवर्नमेंट जो फॉर्म होती है बाय कमिंग टुगेदर एटलीस्ट टू पॉलिटिकल, जब दो पॉलिटिकल पार्टीज आपस में आती, ठीक है, जब दो पॉलिटिकल पार्टीज आपस में मिलती है और सरकार का निर्माण करती है। देखो, कॉलिशन और अलायंस दो डिफरेंट चीज़ें होती हैं। क्लियर? यहाँ पर जो हम कॉलिशन गवर्नमेंट लिखी है, ठीक है, वो है यूजुअली पार्टनर इन कॉलिशन फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल अलायंस एंड अडॉप्ट अ कॉमन प्रोग्राम। क्या होता है, पहले क्या था, 1989 के अराउंड, 1989 के बाद से, 1989 के इलेक्शन से ही किसी भी एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली। व्हेन अ सिंगल पार्टी डोंट गेट द मेजोरिटी एंड दे हैव द डोंट द मिनिमम सीट रिक्वायरमेंट विच इज़ नीड टू फॉर्म द गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए आपको एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है वो आप फुलफिल नहीं कर पाए, तो क्या होगा? तो बेटा, एक ही चीज़ होगी, आप क्या करोगे, आप किसी और के साथ मिलोगे और सरकार का निर्माण करोगे। जैसे मान किसे देखते हैं कि हमारे पास 20 सीट्स हैं, टोटल टोटल 20 हैं। आप सरकार बनाने के लिए, इन गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए आपको 50%+1 सीट चाहिए होती है। 50%+1, 20 का 50% होगा 10+1, यानी 10+1 हो गया आपका 11, यानी आपको चाहिए 11 सीट्स। ठीक है, यहाँ पर पार्टी ए थी, बी थी, सी थी, डी थी, इसको मिली 5, इसको मिली 6, ठीक है, इसको मिली 7, ठीक है, इसको मिली 2। ठीक है, आप कहेंगे सर इसमें से किसी को भी 11 सीट नहीं मिली। हाँ बेटा, तो क्या किसी को मेजोरिटी है? आपको नहीं सर, किसी को भी मेजोरिटी नहीं है। तो अब क्या होगा? अब क्या होगा, दो या दो से अधिक, टू और मोर पार्टीज, दो या दो से अधिक पार्टीज आपस मिलेंगी और गवर्नमेंट बनाएगी। क्या मान के देखो, ए प्लस बी मिल गए तो आपको, हाँ सर 11 सीटें मिल गई, तो ये दोनों मिलकर गवर्नमेंट बना सकते हैं। पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है क्या कि 7 और 6 मिलकर बना ले, हाँ सर 13 हो रहे हैं। सर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि बी सी डी दोनों मिलकर बना ले, ठीक है 15 हो गई। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी है कि ए और सी मिलकर बना ले, ठीक है कितनी हो गई, 12 सीट हो गई। तो कोई भी पॉसिबिलिटी बन सकती है, यानी जो भी मेजोरिटी ले रहा होगा आपस में मिलकर वो गवर्नमेंट फॉर्म कर सकता है। क्लियर? और गवर्नमेंट फॉर्म उसी को हम कहते हैं कोलिशन, यानी गठबंधन की सरकार। ठीक, अब कोलिशन ज़्यादा चलते हैं तो अलायंस भी हो जाता है, यानी चुनाव से पहले ही वो आपस में मिल लेते हैं कि भैया आपस में मिलकर लड़ेंगे। और ऐसे ही हमारे पास 3 अलायंस हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस NDA का है, UPA का है और लेफ्ट फ्रंट का है। ये हमें पॉलिटिकल पार्टीज में बहुत ब्रीफली पढ़ने हैं, ठीक है तसल्ली से पढ़ने हैं, कोई जल्दबाजी के साथ बिना पढ़ने हैं, ठीक है तो हम इनको पॉलिटिकल पार्टीज में समझेंगे। अब आते हैं, इंडिया अ फेडरल कंट्री, इंडिया एक फेडरल कंट्री है, फेडरल कंट्री है। इंडिया के अंदर संघात्मक ढांचे को चुना गया है, इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ब्रीफली मेंशन है इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, कि फेडरलिज्म को अपनाएंगे हम, फेडरल स्ट्रक्चर को अपनाएंगे, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट को अपनाएंगे। यानी हमारे पास बेटा सेंटर भी होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी होगी, ठीक है स्टेट भी होगी,
प्राइमरली यानी शुरू शुरू में हमने सिर्फ दो ही लेवल की गवर्नमेंट रखी थी, सेंटर एंड स्टेट। पंचायत राज सिस्टम राजस्थान के अंदर चल रहा था, बट आफ्टर दैट हमने 73rd 74th अमेंडमेंट किए, ठीक है, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट किए, और हमने थर्ड पार्टी भी जोड़ी, यानी सेंटर भी था हमारे पास, उसके बाद स्टेट भी था, हमने कहा हम एक और को जोड़ेंगे और वो होगा लोकल बॉडीज। लोकल बॉडीज़ को हमने रेगुलेट कर दिया कि भैया इसके इलेक्शन से लेकर इसके चुनने के जो प्रोसेशन है उन सबको हम एक साथ लेकर चलेंगे। इंडिया फेडरल कंट्री है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसने इंडिया को एक यूनियन ऑफ स्टेट्स बना रखा है, ऑल दो जो वर्ल्ड है फेडरेशन ये इज नॉट यूज, ठीक है, ये यूज़ नहीं हुआ था। इंडियन यूनियन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरेशन, ये प्रिंसिपल ऑफ फेडरेशन के बेसिस पे यूज़ किया गया। जो कॉन्स्टिट्यूशन यूजली प्रोवाइड अ टू टायर सिस्टम, देखो ओरिजिनली इसने कितना दिया था, टू टीयर सिस्टम दिया था हमें गवर्नमेंट का, ठीक है, जिसमें यूनियन गवर्नमेंट थी या सेंट्रल गवर्नमेंट जिसे हम कहते हैं, ठीक है, जो यूनियन ऑफ इंडिया यानी भैया भारत के संघ को बता रही है, और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट थी हमारे पास, क्या थी, स्टेट गवर्नमेंट थी। जो थर्ड टीयर सिस्टम है वो बाद में ऐड किया गया पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ को लेकर, ठीक है, एज एनी इन एनी फेडरेशन दिस डिफरेंट टीयर्स एन्जॉय सेपरेट ज्यूरिडिक्शन, यानी इन तीनों की अलग अलग पावर होती है, हर सबकी, स्टेट की पावर अलग है, सेंटर की पावर अलग है। बच्चा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन देता है लेजिस्लेटिव पावर्स को बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स, यानी हमने तीन तरीके से इन दोनों के बीच में पावर बांटी। क्या कह रहा है इसको बड़े प्यार से समझते हैं, यूनियन एंड स्टेट। अब लोकल बॉडीज जो है वो लॉ नहीं बनाती, दे डोंट फॉर्म द लॉज, क्लियर। आप कहेंगे ठीक है सर, लोकल बॉडी सिर्फ छोटे मोटे काम करती है, रोड बनाना, सफाई का काम हो गया, टैक्स हो गया, ठीक है, पानी व्यवस्था, ये सब देखती है लोकल लेवल पे, ठीक है, चलिए। कानून बनाने का काम किस पे, यूनियन और स्टेट पे। तो सर ये जो लॉ है, ये लॉ मेकिंग होती कैसे, क्या ये मान के देखो सर ऐसा हो गया कि एक कोई कॉमन चीज़ आ गई तो आपस में भिड़ जाएंगे, सर वो फोड़ लेंगे एक दूसरे, पॉसिबिलिटी है, कॉमन सब्जेक्ट है कि भैया इस पर तो मैं कानून बना रहा हूँ। मान के देखो ये पेन है, तुमने कहा ये पेन हमारा है, ये पेन हमारा है, क्यों, एक ही पेन है आपको, हाँ सर बात तो सही है, तो किसकी मानी जाएगी, किसका पेन माना जाएगा। देखो इससे बचने के लिए हमने जो सब्जेक्ट्स हैं हमने विषय बांट दिए, विषय सब्जेक्ट्स का मतलब यहाँ पर है टॉपिक्स, कि किन किन टॉपिक्स में कौन कौन रूल्स बना सकता है। जैसे देखते हैं बेटा, अब एक तुम देख रहे हो कुछ नंबर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी देखो, यूनियन लिस्ट में पहले शुरू में जब बना तो 97 सब्जेक्ट थे, लेकिन अब 98 सब्जेक्ट्स हैं, क्लियर। ऐसे स्टेट लिस्ट में पहले 66 सब्जेक्ट थे, 59 सब्जेक्ट हैं, कॉन्क्रीट लिस्ट में 47 थे, 52 थे। सर आपने बता तो दिया, ये नाम तो ले लिए तो हम भी पढ़ रहे हैं, लेकिन है क्या ये, बेटा देखो यूनियन लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसके अंदर जितने टॉपिक्स दिए गए हैं उस पर कानून यानी जो लॉ मेकिंग है, जो लॉ है वो सिर्फ और सिर्फ सेंटर बना सकता है, स्टेट नहीं बना सकता। और स्टेट लिस्ट के अंदर जो कानून है उसके अंदर जो लॉ फॉर्मेशन होगी वो कौन करेगा, स्टेट करेगा। क्या सर सेंटर बना सकता है इसका कानून, हाँ बना सकता है। आप कहोगे सर कैसे, लेकिन उसके लिए राज्यसभा की परमिशन लेनी पड़ती है, जो आपको 11th की पॉलिटिकल साइंस में पढ़ना है, कि राज्यसभा की परमिशन के बाद ही स्टेट लिस्ट के अंदर जो कानून है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है, क्लियर। कॉन्करेंट लिस्ट आती है जिसमें पहले 47 थे, 52 सब्जेक्ट थे, नहीं बढ़ गए, और इस पर कौन कानून बनाएगा, सर बेटा इस पर सेंटर प्लस स्टेट दोनों ही कानून बना सकती है, लेकिन जो पावरफुल होगा वो सेंटर का होगा पॉइंट, वो सेंटर का पॉइंट पावरफुल होगा, क्लियर। मैंने क्या कहा, लॉ तीनों बना सकती है, मतलब लॉ जो यूनियन लिस्ट है उसके अंदर सेंटर बना रही है, स्टेट के अंदर स्टेट बना रही है, कॉन्क्रीट में दोनों बना रही है, लेकिन मानी किसकी रहेगी, सेंटर की मानी जाएगी। अच्छा सर टॉपिक कौन कौन से आते हैं ये समझ लेते हैं बच्चा। अगर मैं बात करता हूँ यूनियन लिस्ट की, यूनियन लिस्ट में बेसिकली आ रही है आर्मी, डिफेंस, ठीक है, करेंसी, बैंकिंग, ठीक है, आर्मी हो गया, डिफेंस हो गया, करेंसी हो गया, बैंकिंग हो गया। अगर मैं बात करता हूँ स्टेट की, क्या सर ये टॉपिक बेटा ये इतने टॉपिक नहीं है, टोटल इतने टॉपिक हैं, 98 टॉपिक्स हैं, मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ जो तुम्हें काम किया। तुम्हारे स्टेट के अंदर आर्मी नहीं होती, पुलिस होती है, ठीक है, तो क्लास पुलिस हो गई, ठीक है। इसके अलावा आता है ट्रेड हो गया बेटा, एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है। अब आते हैं हमारे पास क्या, कॉन्करेंट लिस्ट,
कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर जो हमारे पास टॉपिक दे रखे हैं बेटा, सबसे पहला जो टॉपिक है इसके अंदर वो आता है आपका एजुकेशन, जिसमें दोनों बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हेल्थ है, ठीक है। इसके अलावा जो आपका मैरिज है, शादी है, मैरिज है, शादी है, अडॉप्टेशन, अडॉप्शन है, ठीक है। इस पर कानून ये सब बना सकते हैं कॉन्करेंट के अंदर। चलिए, अब जो इंडिया है वो एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, यानी होल्ड करके रख रहा है सबको, ठीक है। जिसके अंदर बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल है, ठीक है, स्टेट्स से जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल है, इसलिए हम इसको क्वासी फेडरल कहते हैं बच्चा। तो अब देखते हैं ये होल्डिंग टुगेदर और दूसरे का मतलब क्या होता है। देखो, कमिंग टुगेदर का मतलब है आप जा रहे हैं, ठीक है, आप घूमने गए, ठीक है, और आप आपका दोस्त मिला आपको, कहता भाई कहाँ जा रहा, तुमने कहा यार गोलगप्पे खाने जा रहा, कहता चल भाई मैं भी चल लूँ। फिर आगे कह दूसरा कह रहा कहाँ जा रहा भाई, भाई गोलगप्पे खाने जा रहे हम तो, चल भाई मैं भी चल। सब अपने अपने पैसे दे रहे और गोलगप्पे खाने जा रहा, तो ये बड़ी यूनिट हो गई। सेम यही होता है कमिंग टुगेदर, जो एग्रीमेंट है इंड्यूस कर रहा है इंडिपेंडेंट स्टेट को, वो खुद आते हैं साथ देयर ओन फॉर्म कि भैया हम खुद आ रहे हैं, तुमने किसी दोस्त को नहीं बुलाना कि भाई तू भी आ जा तू भी आ जा, नहीं, वो खुद आ रहा है, भाई हम पैसे देंगे कौन चिंता कर रहा, और तुम भी सब कुछ यार पैसे देगा यार, ये पैसे देगा, ये गरीब ये पैसे देगा, क्या बात है। और एक बड़ी यूनिट में आते हैं, सो दैट पूलिंग सॉवरेनिटी, ताकि वो अपनी सॉवरेनिटी को पूल कर पाए, नहीं इकट्ठा कर पाए और अपनी आइडेंटिटी को रिटेन कर पाए, दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी, और वो अपनी सिक्योरिटी को भी इंक्रीज कर पाते हैं, ठीक है। जैसे USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, ये कमिंग टुगेदर क्या है। होल्डिंग टुगेदर क्या है, जब एक लार्ज कंट्री जो अलग अलग पावर में बटी हुई है वो क्या करती है, देखो जब ये एग्रीमेंट है जो लार्ज कंट्री है वो डिसाइड करती है कि वो पावर को अपने छोटे छोटे स्टेट में बांट देगी, और नेशनल गवर्नमेंट, यानी एक पावर देगी नेशनल गवर्नमेंट को और बाकी जो पावर है छोटे छोटे स्टेट में बांट देगी, क्लियर। द सेंट्रल गवर्नमेंट, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल होती है साथ ही साथ स्टेट में, ऑफन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ फेडरेशन हैव अनइक्वल पावर, लेकिन बहुत बार कुछ के पास अनइक्वल पावर भी होती है, कुछ के पास कम होती है, कुछ के पास ज़्यादा पावर हो सकती है। सम यूनिट्स आर ग्रांटेड स्पेशल पावर, और कुछ को स्पेशल पावर भी दी जाती है। अगर हम इंडिया की बात करें तो आप जानते हैं जम्मू कश्मीर और असम, ठीक है, ठीक है, जम्मू कश्मीर को भी हमने स्पेशल पावर दी थी, क्लियर। इसके एग्जाम्पल में स्पेन है, बेल्जियम है, ठीक है, इंडिया है इसकी का होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का, क्लियर, एक पार्ट है इंडिया भी। चलिए, ये हमारे पास टॉपिक होता है, अब आगे चलते हैं बच्चा। शेयरिंग पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, कि कैसे हम पावर को शेयर करते हैं आपस में, हम पावर को क्यों शेयर करते हैं आपस में। द शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का। हम ये चाहते थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो ये चाहते थे कि दोनों में आपस में लड़ाई ना हो, पावर किसी भी एक के ऊपर कंसनट्रेट ना हो, क्योंकि अगर पावर एक किसी भी एक व्यक्ति पर कंसनट्रेट हो गई, किसी एक लेवल पर कंसनट्रेट हो गई, तो चीज़ें खत्म हो जाएंगी। क्यों? पावर करप्ट, एब्सोल्यूट पावर करप्ट, कि भैया अगर आपके पास सारी पावर आ गई तो चीज़ सही, सीधी सी बात है, आप अपनी मनमानी करोगे, आप दूसरों की सुनोगे नहीं, तो वो ये नहीं चाहते थे। जो पार्लियामेंट थी उसने देखा ऑन इट्स ओन चेंज दिस अरेंजमेंट, एनी चेंज हैज़ टू बी फर्स्ट पास बाय द बोथ हाउसेस, कि भैया अगर आपको कोई बदलाव करना है तो आपको सबसे पहले लोकसभा, ठीक है, प्लस फिर राज्यसभा, यानी दोनों हाउसेस से पास करवाना पड़ेगा विद एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी के साथ, ठीक है। अगर आपको संविधान के अंदर ये चीज़ें बदलनी है तो आपको लोकसभा और राज्यसभा से पास करवानी पड़ेगी चीज़, वो भी किसके 2/3 मेजोरिटी के साथ, इसी को हम कहते हैं स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी के साथ, ठीक है, इट हैज देन टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट, और उसके बाद हाफ ऑफ द टोटल स्टेट हमारे पास इस वक्त, ठीक है, 28 है, ठीक है, 28 यानी 14 स्टेट्स की अनुमति लेनी पड़ेगी आपको, 14 स्टेट्स को हामी भरनी पड़ेगी अपनी स्टेट लेजिस्लेचर से, तब जाके आप उस इस संस्था को बदल पाओगे, इस जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसको बदल पाओगे बच्चा। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर्स द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट मेक अ डिसीजन, लेकिन अगर कोई भी पावर के अंदर डिस्प्यूट होता है कि भैया ये पावर आपकी है मेरी है, तो सबने बहुत बार सुना होगा कि दिल्ली स्टेट का झगड़ा हो रहा है सेंटर से कि भैया पावर हमारे पास है या पावर तुम्हारे पास है, तो उस मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट आता है और सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करके बताता है कि भाई स्टेट की पावर क्या है और सेंटर की पावर क्या है, दोनों की पावर के अंदर आप किसके अंदर इंटरवीन कर सकते हैं, किसमें इंटरवीन नहीं कर सकते, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये सारी चीज़ें जज करता है, क्लियर। चलिए अब चलते हैं बच्चा आगे, नेक्स्ट है बेटा रीजन फॉर सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इंडिया,
इंडिया के अंदर फेडरलिज्म इतना सक्सेस क्यों हुआ? चलिए, सबसे पहला पॉइंट है कि क्लियरली लेड किया है इसने कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन प्रोवाइडिंग थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, कि भाई थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है, बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट, मतलब हमने पावर को बायफिकेट कर दिया और किसी को भी लड़ने की जरूरत नहीं है कि भाई हमारे पास पावर क्या है और आपके पास पावर क्या है। हमने अलग अलग तरीके से पावर को बायफिकेट किया कि भैया आप अपने विषय में संभालें, आप अपना काम करें, आप अपना काम करें और जो बच जाएंगे उसमें दोनों काम कर लो, और जिसका एट द एंड होगा उसके अंदर मान ली जाएगी किसकी, सेंटर की। ठीक है, अब आप पूछेंगे सर इसके अलावा भी तो कुछ ऐसे टॉपिक हो सकते हैं जो बचते हैं। ठीक है, जो बचते हैं, हाँ बेटा कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं उसी को हम रेसिडुअल लिस्ट में डाल देते हैं, जैसे कंप्यूटर का हो गया, आईटी का हो गया, रेसिडुअल लिस्ट में आते हैं वो। ठीक है, रेसिडुअल लिस्ट के अंदर आते हैं, आपकी बुक के अंदर एक छोटा सा पॉइंट दे रखा होगा, ठीक है, यूनियन स्टेट कॉन्करेंट लिस्ट के बाद, ठीक है, कहीं नीचे की दूसरी या तीसरी लाइन में रेसिडुअल लिस्ट के बारे में लिख रखा आपके बारे में। ठीक है, चलिए, जो नेचर है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का, जो हमारी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है नेचर, वो भी इसका सबसे बड़ा एक उदाहरण है कि भैया हम राजनीति के अंदर सभी जुड़ना चाहते हैं। ठीक है, और हम अपने पास जो IAS अधिकारी होता है, एडमिनिस्ट्रेशन से ज़्यादा जो पास होता है, हम किसको मानते हैं, हम अपने नेताओं को मानते हैं जो लोकल अथॉरिटी के नेताओं होते हैं, तो ये भी एक चीज़ है। नेक्स्ट है क्रिएशन, कि लिंग्विस्टिक स्टेट को हमने बनाया, लिंग्विस्टिक स्टेट सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इंडिया की जब इंडिया आज़ाद हुआ, ऐसा उस वक्त कहा गया कि भाई कहीं ऐसा ना हो अभी अभी हम आज़ाद हुए हैं और दोबारा हमारे देश के अंदर कलह बन जाए लिंग्विस्टिक स्टेट को लेकर, क्योंकि चीज़ें बहुत बिगड़ी थी उस वक्त। मांग चलने लगी कि हमें लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाने हैं और उसका नाम रखना पड़ेगा। अभी कुछ ही समय पहले, मतलब अभी नहीं, उस टाइम कुछ ही समय पहले हम आज़ाद हुए थे और हमने धर्म के आधार पे देशों का बंटवारा देखा था, तो जब हम बंटवारा देख चुके थे तो हम ये सोच रहे थे उस वक्त हमारे सारे नेता कि कहीं ऐसा ना हो कहीं दोबारा से वही चीज़ हमें दोबारा देखने को मिले, वो धर्म के आधार पर थी कम। ठीक है, और ये जो है वो स्टेट के नाम के आधार पर ना हो, यानी भाषा के आधार पर ना हो, और अगर भाषा के आधार पर देश बंटने लगा तो भारत के अंदर 1100 से ज़्यादा बोलियाँ बोली जाती हैं। ठीक है, ठीक है, 22 से 24 से ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं हमारे पास, तो कितने तरीके से देश बंटता, तो हमारे जो नेता थे वो डर गए। ठीक है, लेकिन उनका डरना जो था वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया, क्योंकि उनको पता लगा किस चीज़ ने हमारे देश को जोड़ दिया, तोड़ना वो तोड़ने की सोच रहे थे लेकिन कि टूटेगा, लेकिन इसने जोड़ दिया, वो कैसे देखते हैं। सेवरल ओल्ड स्टेट, बहुत सारे ओल्ड स्टेट्स हैं, उनको चेंज किया गया कि नए स्टेट बनाएंगे, ये इंश्योर किया गया कि जो पीपल हैं, जो लोग हैं, वो सेम लैंग्वेज की जो भाषा बोलते हैं वो एक ही स्टेट में रहें। ठीक है, यानी जिनकी भाषा सेम है वो एक साथ रहेंगे तो उनके अंदर एक अपनेपन का भाव आएगा और एक ऐसी भावनाएँ जुड़ेंगी कि भैया नहीं, हम सब साथ हैं, हम साथ साथ हैं, तो वाला हिसाब रहेगा। रेस्ट्रिक्टिंग सेंटर स्टेट रिलेशन, कि भैया सेंटर स्टेट के रिलेशन इतने भी कॉम्पैक्ट ना हो कि दोनों आपस में भिड़े, और इतने भी, ठीक है, अच्छे ना हो, सुगम ना हो कि भैया ये आपस में ही सारे काम करते रहे, तो इनको भी अलग करना ज़रूरी है। चलिए, लैंग्वेज पॉलिसी की बात करते हैं अब हम, भारत के अंदर भाषा नीति, हमारे संविधान ने किसी भी भाषा को नेशनल लैंग्वेज नहीं माना, यानी हमारी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, किसी कोई भी एक राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी को मानने गए थे तो भिड़ गए सारे, संविधान सभा के अंदर भाषा की बात हुई, कहा कि हिंदी को रखते हैं, ऐसे कैसे रखते हैं, तमिल उससे पुरानी, तेलुगु उससे पुरानी, संस्कृत सबसे पुरानी, संस्कृत को रख दो। ठीक है, एक समझदार खड़ा होता, कहता है इंग्लिश को रखो, बहुत अच्छी है इंग्लिश लैंग्वेज, क्यों, अंग्रेजों ने दी है और इंग्लिश सबको आती है। बात तो सही थी क्योंकि हम संस्कृत भूल चुके थे, हम इंग्लिश जोड़ रहे थे, क्यों, इंग्लिश अंग्रेजों की देन है, अंग्रेज इंग्लिश सिखा के गए, हमें इंग्लिश आती है, क्योंकि इंग्लिश इंडिया के अंदर एक स्किल के तौर पे देखी जाती है, स्किल के तौर पे भी एक स्टेटस के तौर पे देखा जाता है। आपको इंग्लिश आती है, बस बात खत्म, आपको सब कुछ आता है, आपको इंग्लिश नहीं आती, आपको कुछ नहीं आता है, पागल भी है क्या। ठीक है, इस हिसाब से तो मैं अमेरिका जाऊँगा और अमेरिका में कहूँ तुझे हिंदी आती, वो कहेगा नहीं आती, तो तुझे ज़िंदगी में क्या आता है, तूने तो हिंदी सीखी नहीं, सर कैसी बातें कर रहे हो, वो अंग्रेज है वो तो इंग्लिश बोलेगा, अब तो तुम भी तो इंडियन हो, तुम अपनी बोलो, तमिल बोलो, तेलुगु बोलो, बंगाली बोलो, बोडो बोलो, नहीं तुम्हें तो इंग्लिश बोलनी है, पता नहीं अंग्रेज बनेंगे सारे के सारे। ठीक है, वेल लैंग्वेज, द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट यूनाइटेड कंट्री एंड मेड एडमिनिस्ट्रेशन इजियर,
अगर हम लिंग्विस्टिक स्टेट बनाते तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन और आसान हो जाता, क्योंकि हमें ये पता होता कि किस स्टेट के अंदर मैक्सिमम लैंग्वेज कौन सी बोली जा रही है। जो लीडर्स थे हमारे हमारे उन्होंने बहुत सावधानी से, ठीक है, हिंदी के प्रसार को बढ़ाने की बात करी और हिंदी को भी देखा, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया। ठीक है, हिंदी के अलावा हमारे पास 21 अलग भाषाएं हैं जिनको शेड्यूल लैंग्वेज के तौर पर संविधान में डाला गया। ठीक है, हिंदी के साथ हमने इंग्लिश को भी चुना था, इंग्लिश के साथ हमने इंग्लिश को भी चुना था ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे। हमने कहा था कि इंग्लिश को भी माना जाएगा, लेकिन ये कहा गया था कि इंग्लिश को थोड़े समय बाद हम निरस्त कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, ताकि वो इतना आगे ना बढ़ पाए। ठीक है, हमारा मेन मकसद था कि अपनी भाषाओं को प्रमोट करना और ख़ासकर उसमें से हिंदी को प्रमोट करना। ठीक है, अगर हम हिंदी को देखें तो हिंदी 41% करीबन लोग बोलते हैं इंडिया के। चलिए, मेजर स्टेप्स लिए गए इसके अलावा, अब आते हैं 1992 के अंदर वो कौन कौन से स्टेप लिए गए जिससे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है बच्चे यहाँ पर अगर हम बात करें कि सत्ता का विकेंद्रीकरण, यानी किसी भी एक व्यक्ति से या एक पर्सन से या एक यूनिट से पावर लेकर अलग अलग लोगों में बांट देना। ठीक है, बांट देना वो है। चलिए, नाउ इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन लोकल बोर्ड। देखो, हमारे पास अभी तक बच्चा 1992 से पहले तक हमारे पास सेंटर भी थी और स्टेट भी थी, लेकिन 1992 के बाद हमने सबसे ज़्यादा ध्यान देना चालू करा लोकल गवर्नमेंट पे और कहा कि लोकल गवर्नमेंट जितनी ज़्यादा स्ट्रांग रहेगी उतनी ज़्यादा ही, ठीक है, जो स्टेट और जो सेंटर है वो अपना काम सही तरीके से करेंगे। क्यों? अगर आपका हर एक व्यक्ति एक ना एक राजनीति से या फिर आप ये कह सकते हैं आप जितना पॉलिटिक्स से जुड़े रहेंगे आपको पता रहेगा कि पॉलिटिक्स कैसे काम कर रही है। क्लियर? और इसी को हम डिसेंट्रलाइजेशन पावर कहते हैं कि भैया पावर ऊपर से लेकर नीचे तक बांट दी जाए, और जब नीचे तक आ गई पावर तो आपके पास भी कोई ना कोई पावर रहेगी। सही सी बात है, और वो हम भी यही चाहते थे। क्लियर? चलिए देखते हैं। और 1992 के बाद 73rd और 74th अमेंडमेंट हुए, जिसके अंदर 73rd हुआ आपका गांव से रिलेटेड यानी पंचायत राज सिस्टम से, 74th अमेंडमेंट था आपका शहरों के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से रिलेटेड। क्लियर? ये सारी चीज़ें चलती रही। इसके अंदर हमने कहा कि भाई पहले क्या होता था, पहले ना पंचायत चुनाव के अंदर इलेक्शन कब हो रहे हैं किसी को नहीं पता, 2 साल में हो गए, 3 साल में हो गए, हुए नहीं तो 5-5, 8-10 साल तक नहीं हुए। ठीक है, कोई वेरिएबिलिटी नहीं है। ठीक है, सरपंच को गोली मार दी तो चुनाव हो गया, उसके घर से उठा लाए किसी को तो चुनाव हो गया। ठीक है, दो आपस में लड़ रहे हैं, सरबर फाड़ दिए तो चुनाव, कोई मतलब बेतरतीब तरीके से चल रही थी चीज़ें, कोई इनका हिसाब किताब नहीं था। पता चला चुनाव हो रहे हैं, बंदूक लेके पहुंच गया, अरे आप वोट दीजिए हमें। ठीक है, बताओ यार किसी के माथे में बंदूक रखे, वो दिए थोड़ी गए, मैं तो किसी और को वोट दूँ, देखे देख पर गोली मारता वो, वरना 500 रुपये बांट दिए, 500 रुपये के साथ साथ छोटे छोटे बांट दिए कि वोट दो हमें। ठीक है, लाल फूल नीला फूल, ठीक है, हमें सबसे ब्यूटीफुल, ये वाला हिसाब किताब चल रहा था। अब कहोगे सर यहाँ पे किसी का नाम क्यों नहीं लिखा, पता नहीं यार कौन कब भी तक जाए। ठीक है, चलिए, इसके अलावा क्या किया, SC and ST के लिए, ठीक है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए सीटें रिजर्व की गई। सीटें रिजर्व करने का सबसे बड़ा तात्पर्य ये था कि जितने भी हमारे पास माइनॉरिटीज़ लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, वो लोग आगे आएँ, अपना एक कॉन्ट्रीब्यूशन दें और सोसाइटी के अंदर उनका भी दबदबा बढ़े। दबदबे का मतलब यहाँ पर मैं वो वाला दबदबा नहीं कर रहा हूँ, डोमिनेंसी वाला, दबदबे का मतलब है कि उनके लिए जो उनके साथ चीज़ें हुई उनको ख़त्म करके उनको आगे बढ़ाया जाए और समाज को भी लगे हाँ भाई ये भी हमारी सोसाइटी का एक पार्ट है, हम सब इक्वल हैं। ठीक है, 1/3 सीटें वुमेंस के लिए रिजर्व की गई। इसके अलावा स्टेट इलेक्शन कमीशन ने क्रिएट किया एक पंचायत और म्यूनसिपल इलेक्शन, स्टेट इलेक्शन कमीशन हेड किया गया, मतलब जो पंचायत और म्यूनसिपल इलेक्शन होंगे वो स्टेट इलेक्शन कमीशन उसके अंदर इलेक्शन करवाएगा। हमारे पास नेशनल इलेक्शन कमीशन है एक, वो देखता है लोकसभा के चुनाव, राज्यसभा के चुनाव, ठीक है, CM के स्टेट इलेक्शन देखेगा वो, ठीक है, राज्यसभा के चुनाव हो गए, सारे इलेक्शन देखता है, बट जो पंचायत के यानी जो लोकल बॉडीज़ के जो इलेक्शन है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन देखता है। स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स, स्टेट जो गवर्नमेंट है वो रिक्वायर करती है क्या कुछ पावर्स को और रेवेन्यू को लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ के साथ। पहले क्या होता था, पहले गाँव के अंदर एक हैंडपम्प खुदवाना है, हैंडपम्प लगवाना है हम भैया जी क्या करें, सरकार को पत्र लिखते हैं। अब एक एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही बहुत सारे गांव आ रहे हैं, ठीक है, हर गांव के अंदर कोई ना कोई फाइलें चल रही, तो एक हैंडपम्प लगने का समय
कम से कम 5-6 साल तक हैंडपम्प भी नहीं आया, पता चल रहा है। आज भी ऐसे भारत में कुछ गांव हैं, बहुत से ऐसे गांव रहे हैं जहाँ पे बिजली नहीं पहुँची है अभी तक, लाइट नहीं है। सोच के देखो, हम 2022 में जी रहे हैं, ठीक है, हमारे जीवन 2022 के अंदर जी रहा है, और हम कह रहे हैं कि बत्ती नहीं आ रही है। वे काहे का जीवन है हमारे साथ। फिर चलिए आगे चलते हैं बच्चे, अब हम, ठीक है, हमने किस तरीके से बायफिकेशन स्टार्ट करी पंचायत सिस्टम के अंदर। देखो ठीक है, सबसे पहले हमने बनाई ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत ही हमारी लोकल लेवल पे, ठीक है, मतलब विलेज लेवल पे, और बहुत सारी ग्राम पंचायत बना के बनती है पंचायत समिति, यानी ब्लॉक लेवल की पंचायत। फिर ब्लॉक लेवल की मिलाकर क्या बनती है, जिला परिषद। यानी ये सबसे टॉप पर है, सबसे लोएस्ट ये है, यानी फर्स्ट, ठीक है, आप कह सकते हैं लोएस्ट एंड द बिगेस्ट, लोएस्ट एंड द बिगेस्ट। इसमें सरपंच आता है, इसमें ब्लॉक समिति का अध्यक्ष आता है, इसमें जो डिस्ट्रिक्ट आता है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे पास, ठीक है, बहुत सारे लोग आते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आता है जिसको हम डीसी कहते हैं, ठीक है, इसके अलावा एमपी भी आते हैं और एमएलएज भी आते हैं यहाँ पर। क्लियर, जो आगे देखते हैं बच्चा हूँ, देखिए स्ट्रक्चर है न्यू पंचायत राज सिस्टम का। रूरल लोकल गवर्नमेंट को हम पंचायत राज कहते हैं, जो लोकल गवर्नमेंट है। हर एक विलेज और ग्रुप ऑफ विलेज हैज़ अ ग्राम पंचायत। हर एक गाँव के अंदर ग्राम पंचायत होती है, पंच यानी प्रेजिडेंट और सरपंच कहा जाता है, ये डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। जितनी भी एडल्ट पॉपुलेशन होती है गांव की, यानी 18 प्लस जितने भी लोग हैं, वो सारे कौन किसको चुनेंगे, अपने सरपंच को चुनेंगे। जो पंचायत है वो वर्क करती है ग्राम सभा के अंदर, ग्राम सभा के अकॉर्डिंग, ठीक है, विद ऑल द वोटर्स एज इट इज मेंबर्स, क्योंकि सभी वोटर्स इसके मेंबर्स होते हैं। क्लियर, जो लोकल स्ट्रक्चर है वो अपर में जाता है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल बनता है। अब ग्रुप ऑफ ग्राम पंचायत, जो ग्राम पंचायत का ग्रुप होता है, ठीक है, जो ग्रुप ऑफ ग्राम पंचायत है वो क्या बनता है, पंचायत समिति या फिर ब्लॉक मंडल, ठीक है, और सभी पंचायत समिति और मंडल मिलाकर क्या बनते हैं, जिला परिषद बनते हैं, विच कंसिस्ट ऑफ इलेक्टेड मेंबर, जिसके अंदर इलेक्टेड मेंबर्स आते हैं। मतलब पहले ग्राम पंचायत का ग्रुप मिला तो क्या मिली आपको, ब्लॉक समिति, ब्लॉक से क्या मिला आपको, मंडल, ठीक है, ब्लॉक समिति, मंडल से मिला आपको जिला परिषद, ठीक है। लोकसभा के मेंबर्स कौन कौन आते हैं इसके अंदर, लोकसभा के मेंबर्स हो गए, ठीक है, एमएलए हो गए, एमपीज हो गए, ठीक है, ऑफिसर्स हो गए, जैसे मैंने आपको बताया डिप्टी कलेक्टर हो गया, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गया। देखो डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं हम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है, डिप्टी कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, वो डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज है बकायदा, वो पूरा डिस्ट्रिक्ट उसके अंदर है, तो सोचो कितना प्रभावशाली व्यक्ति होता है वो। ऑल्सो मेंबर ऑफ जिला परिषद, और जिला परिषद के मेंबर भी आते हैं। इट चेयरपर्सन द पॉलिटिकल हेड ऑफ द परिषद, परिषद का जो पॉलिटिकल हेड होता है वो यहाँ का चेयरपर्सन होता। यानी अलग अलग लेवल के अंदर हमने इन चीज़ों को पढ़ लिया है बच्चा। चलिए अब अर्बन एरियाज, यानी शहरों के अंदर म्यूनसिपैलिटीज़ आती है, ठीक है, म्यूनसिपैलिटीज़ आती है। म्यूनसिपैलिटीज़ को आपने नहीं पढ़ना, आपने 11th क्लास में पढ़ना है, 11th की पॉलिटिकल साइंस में। म्यूनसिपैलिटीज़ भी शहरों में इस्टेब्लिश की गई, जो बड़े बड़े शहर थे उसमें म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बनाए गए, जो दोनों कंट्रोल किए जाते हैं, किसके इलेक्शन होते हैं, ठीक है, म्यूनसिपल चेयरपर्सन होता है, पॉलिटिकल हेड इसका, जो हेड ऑफ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, इसको ये एक ऑफिसर होता है जिसको मेयर कहते हैं, और हिंदी में इसको महापौर कहते हैं, महापौर। क्लियर, चलिए और अब करते हैं बेटा इसके क्वेश्चन, यानी चैप्टर खत्म है, अब इसके थोड़े बहुत क्वेश्चन कर लेते हैं हम अपने, ठीक है। कोई तीन फीचर बताने हैं यूनिटरी गवर्नमेंट के। यूनिटरी गवर्नमेंट को आपको मैंने सजेस्ट किया था बेटा, यूनिटरी गवर्नमेंट क्या है, इसके अंदर एक लेवल की गवर्नमेंट होती है, ठीक है, सबऑर्डिनेट जो उसकी जो पार्ट होंगे, ठीक है, यानी जो आपके पास सिंगल लेवल की जो गवर्नमेंट है, अगर वो उसके अंदर सब्सिडरी पार्ट होते हैं तो उसी के अंडर काम कर रहे होते हैं, वो उससे बाहर नहीं होते। क्लियर, और इसमें फैसले लेने के अंदर आसानी होती है। देयर इज ओनली वन लेवल गवर्नमेंट, एक ही लेवल की गवर्नमेंट है बच्चा, सब यूनिट उसकी सबऑर्डिनेट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट पास करती है ऑर्डर और सभी को उसको मानना पड़ता है। क्लियर, स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है कि वो किसी को आंसरेबल नहीं है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर ऑफ इट्स ओन विच इज इट इज नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट के पास अपनी पावर है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट से उसको कोई लेना देना ही नहीं है, और कहती है भैया मैं क्यों दूं जवाब तुझे। बोथ दिस गवर्नमेंट्स आर सेपरेटली आंसरेबल टू द पीपल, ये अलग अलग तरीके से आंसर करेगी, भैया हमने क्यों करा, इन्होंने क्यों करा, इनका इनसे पूछो, हमारा हमसे पूछो, ठीक है। इंडिया कम्स अंडर विच टाइप ऑफ फेडरेशन एंड वाई, इंडिया किस टाइप के फेडरेशन में आता है, इंडिया आता है आपका किसमें, होल्डिंग टुगेदर, ठीक है, हम होल्ड करके चल रहे हैं क्योंकि हमने जो पावर है वो स्टेट्स के अंदर बांटी और सेंटर के पास भी पावर दी है। ये फेडरेशन है क्योंकि जो हमारी एक बहुत बड़ा कंट्री है उसको डिवाइड किया गया पावर कॉन्स्टिट्यूट स्टेट्स और नेशनल गवर्नमेंट के अंदर,
कोई भी एक गवर्नमेंट एंटायर कंट्री, देर इज वन गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, एक गवर्नमेंट है जो पूरे देश के लिए, और अदर जो गवर्नमेंट है एट द स्टेट लेवल पे है, वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अपनी अपनी इंडिपेंडेंट पावर इंजॉय करती हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ी पावरफुल ज़्यादा है स्टेट से। ऑफन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट्स ऑफ द फेडरेशन हैव अनइक्वल पावर, और किसी किसी के पास अनइक्वल पावर भी है, और बहुतों के पास इस कुछ स्पेशल मेजोरिटी पावर भी है। बच्चा क्लियर? व्हाट इज द रोल ऑफ जुडिशरी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? जुडिशरी का रोल क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? जुडिशरी क्या देखती है कि भैया जितने भी मसले हैं वो सही चलते हैं, ठीक है, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन वो देगी, ठीक है, जितने भी फंक्शंस होंगे वो संभालेगी। ऑल्दो जजेस आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव, ठीक है, एग्जीक्यूटिव के द्वारा जजेस अपॉइंट किए गए हैं, दे कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव और लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर, कि जो एग्जीक्यूटिव के द्वारा जो लॉ बनाए गए हैं या जो लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए हैं वो देखना। जो कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, कि भैया संविधान में क्या लिखा है उसको एक्सप्लेन करना इन्हीं का काम है। एंड द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, और जो पावर है अलग अलग लेवल की गवर्नमेंट की वो बताना। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट, अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है, कोई भी दंगा फसाद होता है पावर को लेकर, जो हाई कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट है वो डिसीजन लेगा, जो हाईएस्ट कोर्ट है वो एक्ट करता है एम्पायर के तौर पर। अगर डिस्प्यूट बनता भी है बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पावर्स, अगर मान लो कभी ऐसा हो गया कि एक पावर है एजुकेशन पर कोई बना रहा है कानून और ये भिड़ गए दोनों, तो सिर्फ और सिर्फ सेंटर की मानी जाएगी, या फिर अगर कोर्ट पहुंच गए, देख लो सर, देख लो ये कानून बना रहा, सर मैं कह रहा हूँ सर, ये मैम ये तो सर स्टेट है सर, ये मैं सेंटर हूँ सर, स्टेट स्टेट बना रहा कानून, तो ये कोर्ट बताएगा कि क्या करना है। ऐसे नहीं घर में आपस में लठ बजे जाएंगे तुम्हारे अंदर, नहीं भैया नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जहाँ की जो पॉसिबिलिटी वह जीरो है, ठीक है, चलिए। Evaluate the strength and limitation of self, local self-government in democracy. बेस की स्ट्रेंथ और लोकल सेल्फ चेक करनी चाहिए। देखिए करते हैं भैया, दिक्कतें भी देखते हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ने पॉसिबल किया है कि जो लोग हैं वो लोकल लेवल तक डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर पाएँ डिसीजन मेकिंग में। जैसे पंचायत सिस्टम के अंदर आपने देखा होगा, आप गाँव के अंदर जो नवयुवक होते हैं, जो एडल्ट पॉपुलेशन होती है, वो ज़्यादा प्रभावशाली होती है, और आजकल वही चुनाव जीत रही है पंचायत के, ताकि वो डिसीजन मेकिंग में आ सके। ये हेल्प करता है, इनकलकुलेट करता है एक हैबिट को डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन की। जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है फॉर लोकल गवर्नमेंट हैज हेल्प टू डिपेंड डेमोक्रेसी इन अवर कंट्री, कि भैया डीपन द डेमोक्रेसी, सॉरी, कि डेमोक्रेसी को और ज़्यादा लोगों तक लेके जाया जा सके, क्योंकि भैया हम चाहते हैं कि जो डेमोक्रेसी वो हर एक व्यक्ति तक पहुँच पाए। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है ऑल्सो हेल्प टू इंक्रीज वुमेंस वॉइस रिप्रेजेंटेशन इन अवर डेमोक्रेसी। जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो हेल्प करती है वुमेंस की वॉइस के लिए, कि भैया लोग महिलाओं की आवाज़ उठे, क्योंकि आप जानते हैं 1/3 जो सीटें हैं वो रिजर्व की गई हैं महिलाओं के लिए। और अगर हम जब डेटा पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, हम पाएंगे कि लोकसभा के अंदर जो ये डेटा है वो 14.36% है, यानी लोकसभा के अंदर जो महिलाएं हैं 14.36% हैं, और स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर सिर्फ वो महज 5% है, बट लोकल गवर्नमेंट के अंदर उनका डेटा काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो हम ये चाहते हैं कि महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन भी लोकल, यानी एक यूनिट से, यानी एक रूट से आगे बढ़ता चले। बच्चा क्लियर? लिमिटेशन क्या है? जब इलेक्शन होते हैं, वेरी इलेक्शन आर हेल्ड रेगुलरली एंड एंथुसियास्टिकली, ग्राम सभा आर नॉट हेल्ड रेगुलरली। जबकि इस देश के अंदर जब प्रधानमंत्री चुनाव 5 साल में हो रहे, सीएम के चुनाव 5 साल में हो रहे, लेकिन ग्राम सभा या पंचायत के अंदर रेगुलर इलेक्शन नहीं होते। आफ्टर 1992 वो बना है लॉ कि रेगुलर इलेक्शन होल्ड होंगे, लेकिन उससे पहले नहीं थे। बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट ने पैसे ट्रांसफर नहीं करे हैं, ना ही पावर ट्रांसफर करती है, ना ही उनको रिसोर्स दे पाती है कि वो अच्छे तरीके से काम कर पाए, ठीक है। क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि स्टेट के अंदर गवर्नमेंट किसी पार्टी की है, लोकल के अंदर किसी और पार्टी की गवर्नमेंट बन गई, तो आपस में एंटी रहेंगे, कहेंगे हम तो नहीं दे रहे, वो क्या दे दो ऐसे कैसे, तो मैं दे दूँ काम कर लोगे, ठीक है। तो ये भी चलता है बहुत बार, बहुत चीज़ें ये भी चलती हैं। बच्चा नेक्स्ट, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मेड इन 1992? को कौन कौन से मेन ऑब्जेक्टिव थे? आप जानते हैं मेन ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे? 1/3 सीट वुमेंस के लिए रिजर्व करना, ठीक है, इसके अलावा स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाना, स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाना क्यों? ताकि चीज़ों को सही तरीके से किया जा सके। जो इलेक्शन कमीशन है उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना आए, ठीक है। इलेक्शन को रेगुलर हेल्ड कर। चलिए, मेन ऑब्जेक्टिव द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के,
स्ट्रेंथ करना तीन टायर सिस्टम के गवर्नेंस को, ठीक है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और अर्बन लोकल बॉडीज को और ज़्यादा पावरफुल और इफेक्टिव बनाना, क्लियर। चलिए एक्सप्लेन एनी फाइव फीचर ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म के कोई पांच फीचर बताने हैं, पांच फीचर का मतलब यहाँ पर है कोई भी पांच क्वालिटीज बतानी है। चलिए देखते हैं, दो या दो से अधिक लेवल की गवर्नमेंट होती है, बिल्कुल होती है फेडरलिज्म के अंदर। अलग अलग लेवल की जो गवर्नमेंट है वो सेम सिटीजन पर गवर्न करती है। वेर ईच लेवल हैज़ इट्स ओन ज्यूरिडिक्शन, सबकी अपनी अपनी ज्यूरिडिक्शन होती है, ठीक है। लेजिस्लेचर होते हैं, स्पेसिफिक लेजिस्लेशन होता है, टैक्सेशन के मामले होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के मामले होते हैं, जो अपने तरीके से चलाती है। टैक्स अलग अलग गवर्नमेंट अलग अलग तरीके की लेगी, स्टेट अलग लेगी, सेंट्रल अलग लेगी, लोकल गवर्नमेंट टैक्स अलग लेती है, बहुत बार क्या लेती है। एक्सटेंस अथॉरिटी, हर एक लेवल की अपनी अपनी संवैधानिक चीज़ें हैं, संवैधानिक पद हैं जिसके तरीके से वो काम करते हैं। सेंटर पे जाओगे पीएम है, स्टेट पे जाओगे सीएम है, लोकल पे जाओगे तो मेयर है और सरपंच भी है, ठीक है। जो फंडामेंटल प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो अकेले नहीं बन सकते, उसके अंदर दोनों ही चेंज करने पड़ेगा आपको। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये चेंज करना है, फंडामेंटल प्रोविजन चेंज करने हैं तो आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए 2/3, ठीक है, देन 14 स्टेट की कंसेंट चाहिए, तब जाके वो कानून पास होगा, क्लियर। सच चेंजेस रिक्वायर कंसेंट ऑफ बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट, और दोनों लेवल की गवर्नमेंट के कंसेंट चाहिए होते हैं, तब जाके कोई जो मेन फंडामेंटल प्रोविजन, देखो कानून बनाना ठीक है, लेकिन अगर फंडामेंटल यानी कोई बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर चेंज कर रहे हैं, वैसे बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज नहीं हो सकता, अगर आपने कोई ऐसा संविधान लेकर आए हैं, कानून लेकर आ रहे हैं जिसके अंदर बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर कुछ चीज़ें चेंज होंगी, हो सकती हैं, तो आपको स्पेशल मेजोरिटी लानी पड़ेगी बच्चा, क्लियर। कोर्ट्स के पास पावर है कि इंटरप्रेट कर सके कॉन्स्टिट्यूशन को, कि संविधान के बारे में व्याख्याहित कर सके, पावर बता सके किस लेवल की गवर्नमेंट की क्या पावर है। जो हाईएस्ट कोर्ट है वो एक्ट करता है एम्पायर के तौर पे, यानी सुप्रीम कोर्ट जो है वो एम्पायर के तौर पे देखता है कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन आउट हो गया, कौन LBW है। अगर कोई भी डिस्प्यूट बनता है डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच, अगर मान के देखो स्टेट स्टेट के बीच है या यूनियन स्टेट के बीच है, तो वो सारी चीज़ें भी कौन देगा, सुप्रीम कोर्ट। सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट, कि भैया टैक्सेस के जो टैक्सेस है, जो रेवेन्यू, जो पैसा है, वो भी ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट में स्पेसिफाई कर रखा है कि भैया आपको कहाँ से पैसा मिलेगा। तो फेडरल सिस्टम में इसके दो ऑब्जेक्टिव है, कि प्रमोट करना यूनिटी को, ठीक है, बचाना और एकता को बढ़ाना, और रीजनल डाइवर्सिटी को भी बचा के एकोमोडेट करके रखना, कि भैया जो हमारी रीजनल डाइवर्सिटी है उसको भी एकोमोडेट करना, उसका भी संरक्षण प्रदान करना, क्लियर। डिस्क्राइब इन ब्रीफ द लैंग्वेज पॉलिसी, लैंग्वेज पॉलिसी के बारे में डिस्कस करना है हमें, क्लियर। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस, किसी भी एक चीज़ को हमने नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया, ठीक है, टू एनी वन लैंग्वेज, किसी भी एक भाषा को, ठीक है। जो फॉर्मेशन है लैंग्वेज स्टेट का, ठीक है, यूनाइटेड कंट्री एंड मेड एडमिनिस्ट्रेशन ईजियर, इससे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी ईजी हुआ है। शुरू में चैलेंज लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे ये ईजी हो गया। जो लीडर्स थे हमारे कंट्री के, उन्होंने बड़ी शांति से एटीट्यूड इस तरीके से अपनाया कि वो हिंदी के यूज़ को थोड़ा आगे बढ़ा सके, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। इंग्लिश का यूज़ जो था वो बैन कर दिया गया था, ऑफिशियल पर्पस ये था कि 1965 तक इसको वापस ले लेंगे, बट एक वायलेंट फॉर्म हो गया तमिलनाडु के अंदर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये माना कि नहीं भैया अब इंग्लिश को काफ़ी लंबे समय तक चलाना पड़ेगा, इंग्लिश और हिंदी को दोनों को ही चलाना पड़ेगा, क्योंकि तमिलनाडु ने कहा नहीं इंग्लिश वापस नहीं होगी, इंग्लिश को रखना पड़ेगा ही पड़ेगा आपको, क्लियर। प्रमोशन ऑफ हिंदी इज एन ऑफिशियल पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, लेकिन ये इम्पोज नहीं की गई हिंदी ऑन स्टेट, जहाँ पे जो नॉन हिंदी स्टेट्स हैं वहाँ पर आप ये चीज़ें इम्पोज नहीं कर सकते, क्लियर। वहाँ पर आप इम्पोज नहीं कर सकते कि नहीं आप हिंदी बोला, ऐसा पॉसिबल नहीं। हिंदी के अलावा 21 और लैंग्वेज है जो स्केड्यूल लैंग्वेज में रखी गई संविधान में, यानी टोटल 22 लैंग्वेज हो गई बच्चा। ये फ्लेक्सिबिलिटी ये बताती है कि जो इंडियन लीडर्स थे उन्होंने कैसे सिचुएशन को अवॉइड किया कि श्रीलंका ना बन जाए, कि हम एक ही भाषा को प्रमोट ना करें, क्योंकि आप जानते हैं श्रीलंका के अंदर एक ही भाषा को प्रमोट किया गया था, सिन्हाला को, ठीक है, ऐसी सिचुएशन ना बने, इससे हम बच जाए, ये कहा हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने। चलिए नेक्स्ट बेटा, हाउ इज फेडरल पावर शेयरिंग मोर इफेक्टिव टूडे दैन इन द अर्ली डे, कि भैया अब ज़्यादा इफेक्टिव क्यों है पहले से, अब ज़्यादा इफेक्टिव क्यों है पहले से। देखिए फेडरल पावर है ये मोर इफेक्टिव है, क्योंकि जो नेचर है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का इंडिया के अंदर, ये इंश्योर करता है कि फेडरलिज्म का स्ट्रक्चर चलता रहे, हमारी डाइवर्सिटी को, डाइवर्स डिज़ायर लिविंग को टुगेदर ये काफ़ी इजी बना चुका है। सेकंड है, तो फेडरल पावर शेयरिंग इसने हेल्प किया है ताकि हैबिट डेवलप कर सके डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन की, लोग और ज़्यादा जुड़ सकें,
फेडरल पावर शेयरिंग एक बहुत बढ़िया वे है ये रियलाइज करने का कि एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल क्या है डेमोक्रेसी का, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसके हिसाब से, जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है लोकल गवर्नमेंट का, उसने ये मदद करी है कि और ज़्यादा डेप्थ में चली जाए डेमोक्रेसी। ठीक है, इनने इसने मूवमेंट्स का पार्टिसिपेशन इंक्रीज किया है, फेडरल पावर शेयरिंग जो लिंगर स्टेट है वो उसने और जोड़ा है लोगों को, लोग और करीब आए हैं पॉलिटिक्स के थ्रू। ठीक है, और ज़्यादा हम कार्य करने लगे हैं, इसने रिड्यूस कर दिया है पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट से और सभी को पावर शेयर कर दिया, मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ पावर किसी के पास नहीं है। ठीक है, तो क्लास यहाँ पर एंड होता है हमारा ये चैप्टर, आई होप आपको मज़ा आया होगा। ठीक है, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वन शॉट में, तब तक ले ओके टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू गाइस।